अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल की वारदात पर आज जिक्र करते हैं। यकीन जिगरबाज चाचा, जी हाँ, आज इस बात पर बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ, एक शख्स किस हद तक अपना जिगरा रखता है, इसका मुजाहरा कल की वारदात से देखने को मिला। बेलगाम शहर में फिलहाल इसकी चर्चा देखने को मिल रही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी पर इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट बनाए, लेकिन कल की वारदात आज के नौजवानों के साथ उनके लिए भी सबक आमोज है, जिसके पास तमाम वसाइल होने के बावजूद जिंदगी से मायूस रहता है। रियाज तहसीलदार एक बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर है और वो माजूर भी है, उसके पांव भी ठीक से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह से चलाने का वो हुनर जानता है। कल जानलेवा हमला होता है। एससी मोटर से अलारवाड़ की तरफ किराए के बहाने एक शख्स बैठता है। कुछ बहस रियाज और उस पैसेंजर के दरमियान होने की बात कही जा रही है, लिहाजा तेज हथियार से रियाज तहसीलदार का गला वो शख्स काट देता है। इस वारदात के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन आज तस्करा चाचा के उन हौसलों का होना जरूरी है, जब गला अंदर तक कटने के बावजूद भी हौसलों के बलबूते पर रिक्शा चलाते हुए तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय करता है। लहूलुहान जिस्म, लहू जिस्म से बह रहा है, गर्दन से मुस्तकिल लहू बहते हुए पांव तक पहुंच चुका है। उसे कपड़े से खुद ही लपेट लेता है, कपड़े पूरे खून में तर हुए हैं, और मार्केट पुलिस थाने पहुंचने का कोई मशवरा देता है तो वहां तक पहुंच जाता है। वह आखिर में गश खाकर गिर जाता है ऑटो रिक्शा चलाते हुए, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही जाता है। खैर, इसके बाद वहां के कुछ अफराद और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से रियाज तहसीलदार को जिला अस्पताल लाया जाता है। काफी देर तक मुस्तकिल खून बहता रहता है। अगर ऑटो में भी देखा जाए तो खून के रिसाव की दलीलें वहां पड़े खून के उस थप्पों से मालूम होता है। उमूमन अगर कोई दूसरा शख्स होता तो शायद उसकी मौत वाकई हो जाती, मगर चाचा की हिम्मत को सलाम जो कटे हुए गले के साथ खुद सीबीटी तक पहुंचता है, फिर उसके बाद सिविल अस्पताल और फिर वहां से केली अस्पताल में दाखिल किया जाता है। कसीर तादाद में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और कई सामाजिक खिदमतगार और जो कौमी हमदर्द थे वो वहां जमा रहते। देर रात तक केली में वो सभी मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ डीसीपी और एमएलए आसिफ सेठ वहां पर देखने को मिलता है। अब इसके पीछे गांजा पीने वालों को बेचने वालों को लेकर तबसरा बहस भी देखने को मिलती है। बेलगाम शहर और अतराफ में गांजा की खरीदो फरोख्त का बढ़ता दायरा आवाम के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। रिक्शा ड्राइवर की जिंदगी पहले ही कई मुसीबतों से होकर गुजरती रहती है। अब अगर रियाज तहसीलदार ही का देखा जाए तो इतनी देर रात में कुछ रुपयों के लिए ऑटो चलाना पड़ता है। जिंदगी है भाई, किसी तरह से गुजारा करना पड़ता है। कई सारे मसाइल, बढ़ती महंगाई में रिक्शा ड्राइवर अपने अखराजात को मुकम्मल करने की जद्दोजहद में देखा जाता है। हमेशा ऑटो ड्राइवर को लेकर एतराजात दर्ज किए जाते हैं, कई सारे लोग सवालात भी उठाते रहते, लेकिन कभी इसकी बेबसी पर बहस नहीं होती। एक दरमियानी क्लास की जिंदगी गुजारते गुजारते उम्र का बड़ा हिस्सा ही गुजर जाता है, लेकिन उसके मसाइल उसी जगह पर रह जाते हैं। लिहाजा नाइट में आखिर किसके भरोसे रिक्शा निकाली जाए। अब तो पहले जैसा माहौल भी नहीं रहा, कब कहां कुछ हो जाए कह नहीं सकते, तो इसकी कीमत सबसे पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ही चुकानी पड़ती है। बेलगाम शहर में 12,000 से भी ज्यादा रिक्शा होने की बात कही जाती है। एक तरफ अमीरी भी बढ़ती जा रही है, अमीर लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अमीर लोग कारों गाड़ियों में टू व्हीलर्स पर घूमते हैं। बढ़ती गाड़ियां ऑटो रिक्शा कारोबार पर असर भी डाल रही है। महंगाई ने इंसान का गुजारा मुश्किल कर दिया है, और अगर कुछ ज्यादा रुपए कमाने के लिए ताकि वो अपने घर की जरूरत को पूरा कर सके, अगर नाइट में ऑटो निकालता है तो इस तरह के जानलेवा हमलों का डर बढ़ने लगा है। खैर, इन तमाम मसाइल के दरमियान रियाज तहसीलदार जैसे बेगुनाह किसी नशेड़ी के हत्थे चढ़ जाते हैं। इससे पहले भी कई वारदातें देखी गई हैं, लेकिन जो हिम्मत जिगर रियाज तहसीलदार ने दिखाया उसे नौजवान अपने जहनों में रख ले। पिछले कुछ महीनों में बेलगाम शहर और अतराफ में खुदकुशी की वारदातें भी तेजी से बढ़ती जा रही है। किस कदर इंसान तमाम सहूलतों के बावजूद मायूसी की इंतहा तक पहुंच जाता है और अपनी जान को खत्म भी कर लेता है, जबकि इसका इससे कोई हक नहीं होता, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की दी हुई है, उसे खत्म करने का हमें कोई हक नहीं। रियाज तहसीलदार ने उन लोगों को भी पैगाम दिया कि गर्दन कट भी जाए तो जिंदा रहने का हौसला इंसान को मौत पर शिकस्त दे सकता है। हमने खुद करीब से देखा, रियाज तहसीलदार की गर्दन पर गहरा जख्म होने के बावजूद उनकी जुबान से जिक्र देखा जा रहा था। यकीनन आज जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में चाचा लड़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि हालात बहुत नाजुक हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि जिगरबाज लोग मौत को शिकस्त देकर वापिस आ ही जाते हैं। इंशाल्लाह दुआ है कि चाचा भी फिर वापिस लौट आएंगे, पर इनसे सबक हम सबको सीखना चाहिए। कुछ लोग तो हालात को देखकर ही डर जाते हैं, पर कटे हुए गले के साथ ऑटो चलाते हुए 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय करना और पहुंचना कोई मामूली।
क्योंकि कोई जिगरबाज ही ये काम कर सकता है और वो चाचा ने कर दिखाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला चाचा रियाज तहसीलदार को शिफा अता फरमाए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।